फॉर्मूला बुकलेट में लिखें कि ये टाइम है और ये फोर्स है, फोर्स एंड टाइम, ठीक। इसमें मान लो दिस इज अ ग्राफ, ये ग्राफ है फोर्स और टाइम का। मुझे सिर्फ ये बताएं, अगर मैं इस ग्राफ के नीचे का एरिया कैलकुलेट कर दूं, एरिया, तो मेरे पास क्या आएगा, एरिया अंडर फोर्स एंड टाइम ग्राफ, बोलो क्या आएगा, एफ इंटू टी आएगा। ये एक्सिस फोर्स का है, मान लो ये फोर्स एफ है और ये टाइम टी है, मल्टीप्लाई करके एरिया का रेक्टेंगल का, एफ इंटू टी। लेकिन एफ इंटू टी क्या होता है, इम्पल्स। तो रिजल्ट लिखें, क्या एरिया अंडर एफ टी टाइम विल गिव इम्पल्स या चेंज ऑफ मोमेंटम, एक ही बात है, दोनों चीजें देगा वो, रिजल्ट लिखो। तो एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ क्या देगा आपको, इम्पल्स या फिर फोर्स इंटू टाइम या चेंज ऑफ मोमेंटम। आएगा नहीं, एरिया में नहीं आएगा, एरिया में तो जस्ट लेंथ इनटू ब्रेथ की है, मैग्नीट्यूड निकाला है, सही है। देखो इसमें यूज कैसे करना ये इंपॉर्टेंट है। अब ये तो मैंने थ्योरी में कॉन्सेप्ट लिखाया कि हाँ ऐसे नोट कर लो, ये ऐसे थोड़ी ना आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा, ये देखो लिख लिया ठीक, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि सपोज आपके पास ये एक्सिस टाइम का और ये फोर्स का, मान लो फोर्स की वैल्यू और टाइम की वैल्यू, यहाँ पे फोर्स कितना है 10 न्यूटन, टाइम कितना है 5 सेकेंड, ये गिवन है ठीक, बना लो गिवन है। क्वेश्चन है लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज 0, फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी, आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है और क्वेश्चन में मास 2 केजी गिवन है, एरिया निकालो, चेक करता हूं, पहले इसका एरिया निकालो, बोलो इसका एरिया क्या आएगा, 10 इंटू 5 कितना 50। अब एरिया आपको देगा क्या, इंपल्स या फिर चेंज इन मोमेंटम, या आपको इंपल्स देगा या चेंज इन मोमेंटम। अब आपको पता है P1 क्या है, 0, इनिशियल मोमेंटम 0, इनिशियल बॉडी की वेलोसिटी 0 है, तो 50 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम में मास की वैल्यू कितनी है 2 और वेलोसिटी कितनी है v, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 25 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर।